अयोध्या विवाद पर आज ऐतिहासिक फैसला आ चुका है। इस फैसले का इंतजार लोग लंबे समय से कर रहे थे। घड़ी की सुई की टिक टिक के साथ अयोध्या मामले पर देशवासियों की उत्सुकता भी बढ़ती रही। राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने रिकॉर्ड 40 दिनों में इस मामले की सुनवाई पूरी की है। फैसले से पहले देश भर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। अयोध्या में धारा 144 लागू कर दी गई, ताकि कोई भी किसी भी तरह के दंगे न भड़का सके, क्योंकि ये मामला हर देशवासी के दिल के काफी करीब है। यही कारण है कि सब लोग इस फैसले का इंतजार टकटकी लगाकर करते रहे। खैर, इस मामले के बारे में तो ज्यादातर बातें सभी को पता है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको उन जजों के बारे में बताते हैं जिन्होंने इस ऐतिहासिक फैसले को लिखा है। तो आइए जानते हैं कि आखिर कौन है ये जज। जस्टिस रंजन गोगोई, कार्यकाल 23 अप्रैल 2012, सेवानिवृत्ति 17 नवंबर 2019, चीफ जस्टिस 3 अक्टूबर 2018 को देश के 46वें चीफ जस्टिस के तौर पर अपना पदभार संभाला। असम से ताल्लुक रखने वाले CJI गोगोई सुप्रीम कोर्ट का जज बनने से पहले गुवाहाटी हाई कोर्ट में जज रहे। वो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। CJI रंजन गोगोई अगले हफ्ते यानी 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में उनके कार्यकाल में आज का फैसला ऐतिहासिक माना जा रहा है। उन्होंने पहले भी कई महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं। इसमें असम में NRC लागू करने का आदेश और सरकारी विज्ञापनों में नेताओं की तस्वीर छापने पर रोक के अलावा पवित्र धार्मिक पुस्तकों जैसे रामायण के नाम पर सेवा या सामान के ट्रेडमार्क का दावा न किए जाने का बहुचर्चित फैसला शामिल है। जस्टिस SA बोबड़े, कार्यकाल 12 अप्रैल 2013, सेवानिवृत्ति 23 अप्रैल 2021। जस्टिस बोबड़े CJI गोगोई के रिटायरमेंट के बाद उनकी जगह लेने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट से पहले बॉम्बे हाई कोर्ट और MP हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे थे। जस्टिस बोबड़े चीफ जस्टिस के बाद इस समय सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज हैं। गोगोई के रिटायर होने के बाद वो 18 नवंबर को देश के नए चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ लेंगे। इनके फैसलों को देखें तो निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित करना, प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिल्ली में पटाखों की बिक्री पर रोक जैसे बड़े फैसले शामिल हैं। जस्टिस DY चंद्रचूड़, कार्यकाल 13 मई 2016, सेवानिवृत्ति 10 नवंबर 2024। सुप्रीम कोर्ट से पहले जस्टिस चंद्रचूड़ बॉम्बे हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने से पहले जस्टिस चंद्रचूड़ इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक को असंवैधानिक ठहराना, निजता को मौलिक अधिकार घोषित करना, दो बालिगों के बीच समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना, IPC की धारा 497 को समानता के हक का उल्लंघन बताते हुए असंवैधानिक घोषित करना, इच्छा मृत्यु के अधिकार का फैसला शामिल है। जस्टिस अशोक भूषण, कार्यकाल 13 मई 2016 से, सेवानिवृत्ति 4 जुलाई 2021। यूपी के जौनपुर से आने वाले जस्टिस अशोक भूषण सुप्रीम कोर्ट में जज बनने से पहले केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। जस्टिस भूषण के बड़े फैसलों पर गौर करें तो इनमें इच्छा मृत्यु का अधिकार, दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों पर दिया गया फैसला शामिल है। वो आधार कानून की संवैधानिकता परखने वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ में भी रहे। अयोध्या पर इस्माइल फारूकी केस में मस्जिद को इस्लाम का अभिन्न हिस्सा न मानने वाली टिप्पणी पर दाखिल पुनर्विचार की मांग को खारिज करने का फैसला भी उन्होंने ही दिया था। जस्टिस S अब्दुल नजीर, कार्यकाल 27 फरवरी 2016, सेवानिवृत्ति 4 जनवरी 2023।
सुप्रीम कोर्ट का जज बनने से पहले जस्टिस नजीर कर्नाटक हाई कोर्ट के जज थे। जस्टिस नजीर के बहुचर्चित फैसलों में तीन तलाक के मामले में अल्पमत का फैसला था। उन्होंने तत्काल तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित नहीं किया था, जबकि 5 सदस्यीय संविधान पीठ के 3 जजों ने बहुमत से फैसला देते हुए तत्काल तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित किया था। अयोध्या भूमि अधिग्रहण मामले में इस्माइल फारूकी की ओर से दिए गए फैसले में मस्जिद को इस्लाम का अभिन्न हिस्सा न मानने की टिप्पणी पर भी पुनर्विचार की मांग का समर्थन किया था, जबकि उस बेंच के 2 अन्य जजों ने फैसले की उस टिप्पणी पर पुनर्विचार की मुस्लिम पक्ष की मांग को ठुकरा दिया था। HS न्यूज के लिए प्रज्ञा शुक्ला की रिपोर्ट। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।